गाजीपुर के लिए शुक्रवार का दिन भी खाली नहीं गया। एक बार फिर गाजीपुर जिले में कोरोना संक्रमण के नए मरीज पाए गए हैं। हालांकि इसमें एक राहत की बात यह है कि शुक्रवार को आंकड़ा कम रहा, केवल 2 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। गुरुवार को यह आंकड़ा 11 था। जिले में कोरोना के ये नए मरीज मिलने से कुल मरीजों की संख्या 73 हो गई है। इस हिसाब से एक्टिव मरीजों की संख्या 66 हो गई है। गाजीपुर में मिले इन 2 मरीजों में से एक की उम्र 29 साल तो दूसरे की 28 साल है, यानी दोनों ही युवा हैं। एक मरीज महेशपुर कासिमाबाद गाजीपुर के हैं तो दूसरे मरीज सिरसी भोजापुर बिरनो गाजीपुर के हैं। ये दोनों मरीज 16 मई को क्वारंटीन हुए थे। अब जबकि गाजीपुर में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, तो आपको खुद का ख्याल रखना और अनिवार्य हो गया है। ऐसे में हम आपको वो 7 बिंदु फिर से याद दिलाते हैं जिसे करीब 1 महीने पहले पीएम मोदी ने देश को बताया था। पहला, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो। दूसरा, लॉकडाउन और सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह से पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। गर्म पानी, काढ़ा, इनका निरंतर सेवन करें। चौथा, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। पांचवा, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठा, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकालें। और सातवां, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सें, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी का पूरा सम्मान करें। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।